विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों पर एक के बाद एक कार्रवाई सामने आ रही है। पिछले दिनों शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई हुई तो आज प्रशासन मंगई नदी पर कब्जा के एक आरोप में एक्शन में आया। ये मामला भी अजब गजब टाइप का है। अक्सर आपने सुना होगा कि नदी पर सरकार पुल बनवाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था। आरोप के मुताबिक मुख्तार के करीबी माने जाने वाले गाजीपुर के महेन गांव के प्रधानपति नन्हे खान अपने मन से मंगई नदी पर पुल बनाने लगे थे। प्रशासन के मुताबिक ये पुल मछली पालने के उद्देश्य से अवैध कब्जा कर बनवाया जा रहा था। गुरुवार को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने इस निर्माणाधीन अवैध पुल को गिरा दिया। बकायदा जेसीबी लगाकर पुल के पाए तोड़ दिए गए। करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के महेन गांव में ये कार्रवाई की गई। आइए एसडीएम से विस्तार से इस घटना के बारे में जानते हैं। पुल इसलिए टूट रहा है क्योंकि यह महेन गांव है, मगई नदी आप देख रहे हैं जी। मगई नदी में हर साल आती है बाढ़ है और काफी लोग प्रभावित हो जाते हैं जी। इसमें जो पुलिया बनाई गई है जी, ये बिना किसी सिंचाई विभाग के इंजीनियर के एनओसी के अथवा किसी बिना इसकी गुणवत्ता की जांच किए हुए स्वयं ग्राम प्रधान के द्वारा ग्राम प्रधान के लेबरों के द्वारा बनवाया गया है। तो सबसे बड़ी तो ये थी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं था ये पुलिया बनना जी। यदि बनना भी था तो इसको प्रॉपर रूप में इसको सैंक्शन कराना चाहिए था विभागीय अधिकारियों के द्वारा। दूसरी चीज़ क्योंकि इसमें बाढ़ आनी थी तो पुलिया एकदम नज़दीक नज़दीक है जी। इसका लेवल हर साल इधर मछली मारने वालों के चलते हाई हो जाता है जी। अब काफ़ी बाढ़ का पानी भर जाता है जी। इस पुलिया से भी संभावना है कि जो बाढ़ का पानी इसमें ज़्यादा इसका लेवल हाई कर देता और ये गरीब के एरिया प्रभावित हो जाते हैं। इसे बगल में 200 मीटर पर एक पुलिया पहले से बनी हुई है, इसका कोई औचित्य नहीं था। ये किसके आदेश से हो रहा है सर? जिलाधिकारी मतलब उच्चाधिकारियों के आदेश से हो रहा है। राजस्व विभाग ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के संबंध में करीमुद्दीन थाना में प्रधानपति नन्हे खान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी की तरफ से 2007 में नन्हे को दिए गए बिना रजिस्ट्रेशन की बोलेरो को सीज करते हुए नीलामी की कार्रवाई भी शुरू करने की बात कही जा रही है। गाजीपुर के महेन गांव में प्रधानपति नन्हे खान द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपने इंटरेस्ट में एक अवैध पुल का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली थी। तो जिलाधिकारी गाजीपुर के द्वारा पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त टीम गठित की थी, जिसने जाकर के जांच की तो पाया गया कि ये घटना सही है। तो इस पर आज एसडीएम मोहम्मदाबाद और सीओ मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में एक टीम ने मौके पर जाकर के जो अवैध निर्माण था उसको गिराया है तथा इस संदर्भ में थाना करीमुद्दीनपुर में एक अभियोग पंजीकृत कराया है सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का। इसके अतिरिक्त एक बोलेरो 2007 में उनकी पत्नी के नाम खरीदी गई थी, जिसका उन्होंने अब तक पंजीकरण नहीं कराया था, उसको उसके संदर्भ में भी नीलामी के संदर्भ में आगे की कार्रवाई की जाए। मुख्तार के करीबी पर कार्रवाई करने वाले इस टीम में एसडीएम राजेश गुप्ता, सीओ विनय गौतम, कोतवाल मोहम्मदाबाद आशीष नाथ सिंह, भावरकोल इंस्पेक्टर विश्वनाथ यादव, करीमुद्दीनपुर थाना अध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह समेत मैं पुलिस फोर्स शामिल रही। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।